जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जे नाम वाले जातक एवं के नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं एवं जानते हैं कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी के नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, के नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। हमेशा अपने जीवन में बदलाव करना, परिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन के यात्रा में नए नए लोगों से मुलाकात करते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं एवं अपने जीवन के यात्रा में अपने मित्रों की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद इनके जीवन में बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो इनके दिल के, मन के करीब होते हैं। इसके बाद यदि जे नाम वालों की बात करें तो जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट नहीं करते हैं। दोस्तों, जे नाम वाले जातक एवं के नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में सारी बातों को जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा वो सामान्य से कुछ नीचे रहेगा, यानी कि सामान्य भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों सभी लोग वीडियो देखें एवं अपने आपसी जीवन के बारे में सारी बातें पता कर सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।